हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन ई नोट्स। तो यूनिट टू हम देखेंगे ग्राइंडिंग मशीन एंड कटिंग, मशीन कटिंग एंड मशीन टूलिंग जो है सब्जेक्ट है हमारा, उसका यूनिट टू है हमारा ग्राइंडिंग। यूनिट वन में हमने पढ़ा था लेथ मशीन से रिलेटेड। ओके, तो पार्ट वन में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, ग्राइंडिंग क्या होती है, काम कैसे करती है, कितने तरह की ग्राइंडिंग मशीन होती है, ये सब देखेंगे। ओके, तो अगर ग्राइंडिंग आपके माइंड में कन्फ्यूजन लग रहा, तो ये इमेज जो यहाँ बना हुआ है ये देख के आपको बहुत कुछ याद आ रहा होगा। ठीक है, ग्राइंडर याद आया, तो आई थिंक ये देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसके बारे में अब बात करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ग्राइंडिंग क्या होता है, क्या काम करता है ग्राइंडिंग? ये ग्राइंडर मशीन है। ठीक है, ये उसका व्हील लगा हुआ है। तो क्या करते हैं, ज़्यादातर हम लोग मेटल को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने दो मेटल को वेल्ड किया, वेल्ड करने के बाद उस जॉइंट पे थोड़ा उबड़ खाबड़ टाइप का जो रहता है, थोड़ा स्क्रैचेस वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो उनको रिमूव वहाँ पे एकदम चिकना करने के लिए आप क्या करते हो, ग्राइंडिंग यूज़ करते हो। वहाँ पे घिस देते हो, वहाँ का जो भी मटेरियल एक्स्ट्रा मटेरियल बाहर की ओर निकला हुआ है, आप ग्राइंडर से वहाँ पे घिस दोगे तो उसका जो मटेरियल है वहाँ से रिमूव हो जाएगा और वो एकदम स्मूथ हो जाएगा, वो प्लेन एकदम स्मूथ हो जाएगा। जैसे आप ये फिगर देख रहे हो, ये दो जॉइंट में वेल्डिंग यहाँ हुआ है। ठीक है, मैं इसे जूम करता हूँ। ठीक है, ये देखो यहाँ पे वेल्ड है, यहाँ पे वेल्डिंग किया हुआ है। ठीक है, अब वेल्डिंग किया हुआ है, अब बाय डिफ़ॉल्ट अभी ऐसे ही ये रफ सरफेस ही है। ठीक है, अब रफ सरफेस है, बाय डिफ़ॉल्ट आपकी हाथ कभी इसमें लग गई तो कट सकती है आपके हाथ में उस रफ सरफेस के कारण। ठीक है, तो उसके लिए हम ग्राइंडर क्या करते हैं, ग्राइंडर को लेकर उस पर यूज़ करते हैं, ग्राइंडिंग करते हैं। ग्राइंडिंग करने से जो भी वहाँ रफ सरफेस है वो स्मूथ हो जाता है। ठीक है, तो ये था हमारा ग्राइंडर। ठीक है, ना अब हम आते हैं थ्योरी पार्ट में। तो ये मुश्किल से ये चैप्टर ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, तो मैं कोशिश करूँगा इसे कम से कम छः सात लेक्चर में ख़त्म करने की। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इस चैप्टर में। नाउ, ग्राइंडिंग इज़ अ प्रोसेस फॉर ऑफ रिमूविंग द मटेरियल बाय द एब्रेसिव एक्शन ऑफ रिवॉल्विंग व्हील ऑन द सर्फेस ऑफ वर्क पीस। ठीक है, हमारा ग्राइंडर के आगे एक व्हील लगा होता है। ठीक है, व्हील जो होता है वो जैसे आपको दिख रहा होगा, ये ग्राइंडर मशीन से ऐसे कनेक्ट रहता है। ठीक है, ये आपका ग्राइंडर का हैंडल हो गया। अभी जो व्हील है, आप खुद ही गेस करो, ये व्हील कैसे, जब वर्क पीस में आके आप वर्क पीस में इसको टच कराते हो तो कैसे इसका मटेरियल्स को रिमूव करता है, कैसे स्मूथ करता है उसके सरफेस को, कॉन्सेप्ट लगाओ। तो आप जब भी आप ऐसा ग्राइंडिंग व्हील का, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने कभी भी ग्राइंडिंग व्हील नहीं देखा होगा, कभी ना कभी आपने ज़रूर देखा होगा। और जब भी देखा होगा, आप देखे होगे उसके सरफेस एकदम रफ होते हैं। ठीक है, ये भी एकदम रफ सरफेस हो गया। फिर आप ग्राइंडिंग एक जगह और आपका बचपन से अभी तक आप देखते आ रहे होगे, आपके जो नाइफ होते हैं, कैची होते हैं, ये सब वगैरह को आप घर के बाहर आता होगा, फिर आप दुकान जाकर उसको शार्प करने के लिए जाते हो, तो उसने वो क्या करता है, कैची या फिर आपके नाइफ को, इसमें बड़े से व्हील रहता है, उस व्हील को साइकिल के थ्रू रिमूव करता है या मोटर के थ्रू रिमूव करते हैं और उसमें टच करके उसको शार्प करते हैं उसका एंड सेम। तो आप उसको टच करके देखे होगे, उसमें आपको उस टाइम लग रहा होगा कि वो बालू का बना हुआ है। ठीक है, खुरदुरा रहता है, तो आप नॉर्मली गेस करते होगे तो उसमें आपको छोटे छोटे पार्टिकल्स दिख रहे होंगे, रफ पार्टिकल्स, उससे आप सोचते होगे कि भाई सैंड है। ठीक है, हाँ, ऐसी बात नहीं है, सैंड नहीं है, सैंड होता है, बट उसे बॉन्डिंग करने के लिए और भी हमारे इसमें एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो सेम हमारा ग्राइंडिंग व्हील भी वैसा ही होता है। ठीक है, अब वही यहाँ पे लिखा है जो आप यहाँ पे पढ़े हो अभी जस्ट, कि ग्राइंडिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द मटेरियल बाय द एब्रेसिव एक्शन ऑफ अ रिवॉल्विंग व्हील ऑन द सरफेस ऑफ वर्क पीस। ठीक है, ड्यूरिंग द ग्राइंडिंग प्रोसेस मटेरियल इज रिमूव्ड इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल चिप्स। ठीक है, क्योंकि उस पर स्मॉल सैंड पार्टिकल्स ऐसे बाहर की ओर निकले हुए हैं पूरे उस पर, या फिर कोई भी पार्टिकल्स, रफ पार्टिकल बाहर निकला हुआ है, जब उसको आप किसी मेटल से टच कराओगे तो वो घूमेगा, तो वहाँ पे घूमने के कारण वहाँ पे जो सरफेस है उस मेटल्स का छोटे छोटे पार्टिकल्स में रिमूव होंगे। ओके, मतलब व्हील यूज फॉर परफॉर्मिंग द ग्राइंडिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड अ ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ग्राइंडिंग, जो पार्ट दिख रहा है दैट इज़ ग्राइंडिंग व्हील। ठीक है, अब देखो बहुत सारे प्रोसेस है ग्राइंडिंग व्हील का, जैसे एक है कि इधर भी ग्राइंडिंग व्हील लगा हुआ है, मूविंग व्हील स्टेशनरी, एक स्टेशनरी ग्राइंडिंग व्हील है और एक ग्राइंडिंग व्हील आपका मूव होता होगा, उसके बीच में आपने वर्क पीस रखा और मूव करना चालू कर दिया, तो ये वर्क पीस सर्कुलेट हो के ये एकदम चिकना हो जाएगा। ठीक है, अब देखो ये हमारा ग्राइंडिंग व्हील है, तो आप इसे अगर जूम करके देखोगे, ठीक है,
ठीक है। तो ये देखो ये व्हील पे छोटे 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 ये दाने टाइप के दिख रहे हैं, छोटे छोटे सब्सटेंस एटम दिख रहा है, ये एक्चुअली है हमारा एब्रेसिव पार्टिकल्स, इसको हम बोलते हैं एब्रेसिव पार्टिकल्स। अब ये देखो ये हमारा वर्क पीस है, अब वर्क पीस पे ये रोटेट हो रहा है एंटी ग्लो, ये वर्क पीस पे आप जैसे टच कराओगे तो इसका देखो जूम वाला पार्ट करके यहाँ दिखाया जा रहा है। तो ये एब्रेसिव ग्रेन्स जो हैं, एब्रेसिव पार्टिकल, एब्रेसिव ग्रेन जो हैं वो क्या करते हैं, धीरे मेटल में टकराते हैं और मेटल से बहुत कम अमाउंट में, वर्क पीस से बहुत कम अमाउंट में मेटल को बाहर निकालते हैं, जिससे आपका सरफेस स्मूथ होता है। ठीक है, समझ गए ग्राइंडिंग व्हील क्या है। और ऐसा जो टाइल्स को चिकना करने के लिए भी करते हैं, इस टाइप का मशीन आप देखिए, इस टाइप का मशीन ये देखे होगे, दैट इज़ आल्सो अ ग्राइंडर। ओके, नाउ ग्राइंडिंग व्हील कंसिस्ट ऑफ शार्प क्रिस्टल विच आर कॉल्ड एज एब्रेसिव हेल्ड टुगेदर विद द बॉन्ड मटेरियल। अब देखो जैसे कि ये बताइए, ये जो आपको दिख रहा है एलिमेंट, रफ सरफेस जो है इसका ग्राइंडिंग व्हील का, डेट इज़ एब्रेसिव। एब्रेसिव बहुत टाइप के होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। उस एब्रेसिव को किसने चिपका के रखा, किसने एकदम स्टिक करके रखा हुआ है। अब जैसे आपको बालू का एक सर्कल बना, बालू का एक व्हील बनाना है, आप सैंड लिए, सैंड का आपको एक व्हील बनाना है, तो सैंड को कैसे आप ज्वाइन करोगे कि वो व्हील का आकार ले ले, उसके लिए कुछ आप उसमें बॉन्डिंग एलिमेंट उसमें मिलाओगे, जिस कारण वो एक पार्टिकल जो है सैंड का है दूसरे पार्टिकल्स चिपक जाए और एक ऐसा ठोस व्हील बना ले। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं बॉन्डिंग। तो यहाँ पे एब्रेसिव मटेरियल, यहाँ पे हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं ग्राइंडिंग व्हील में, एब्रेसिव मटेरियल। ठीक है, और जिसको हेल्ड करने के लिए, हेल्ड टुगेदर विद द हेल्प ऑफ बॉन्ड मटेरियल्स। ओके, नाउ ग्राइंडिंग इज कंसिडर्ड एज फिनिशिंग ऑपरेशन बिकॉज अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द सर्फेस। ओके, ठीक है, समझ में आ गया इतना। नाउ हैज़ द मशीन टूल यूज फॉर प्रोवाइडिंग द गुड सर्फेस फिनिश एंड हाई एक्यूरेसी टू द कम्पोनेंट बाई रिमूविंग द स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल विद द हेल्प ऑफ ग्राइंडिंग व्हील इज कॉल्ड एज ग्राइंडिंग मशीन्स और ग्राइंडर। ठीक है, क्या बोल रहा है, वो मशीन टूल जो आपके मटेरियल वर्क पीस में से बहुत कम अमाउंट में क्या करे, मेटल को रिमूव करे और वहाँ के सर्फेस को स्मूथ बनाए, उस टाइप के मशीन को हम बोलते हैं ग्राइंडर और ग्राइंडर मशीन। ओके, नाउ एक टर्म और है हम यहाँ पे, प्रिंसिपल ऑफ ग्राइंडिंग मशीन, प्रिंसिपल भी डिस्कस कर लेते हैं। नाउ वर्क पीस इज फेड अगेंस्ट द रोटेटिंग एब्रेसिव व्हील। ग्राइंडिंग व्हील को हम यहाँ पे एब्रेसिव व्हील बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, क्योंकि एब्रेसिव मटेरियल से वो बना है तो हम बोल सकते हैं कि एब्रेसिव व्हील। ओके, ड्यू टू एक्शन ऑफ रबिंग और फ्रिक्शन बिटवीन द एब्रेसिव पार्टिकल्स एंड वर्क पीस मटेरियल इज रिमूव्ड। ठीक है, अब आप कहोगे कि ये पढ़ के तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो आपका वर्क पीस है, जो आपका मेटल का वर्क पीस है, ठीक है, उसमें से मेटल कैसे इतने कम अमाउंट में रिमूव। पहली बात, जो व्हील है, व्हील में छोटे छोटे एब्रेसिव पार्टिकल हैं, छोटे छोटे एब्रेसिव पार्टिकल, उनकी साइज भी कम है, साइज कम है तो जो रफनेस टाइप है, ठीक है, यहाँ पे जो ग्राइंडिंग व्हील का रफनेस टाइप होता है वो बहुत नंबर में होता है, 1, 2, 3, 4, ये आपकी जो पार्टिकल्स है इसकी साइज होता है, जितना ज़्यादा रफ सरफेस होगा उतना तेज़ी से मटेरियल, उतना ज़्यादा मटेरियल बाहर निकालेगा। एकदम फाइन आपको चाहिए, एकदम फाइन पार्टिकल जो होगा वो आपके मेटल को बहुत ज़्यादा फाइन स्मूथ, एकदम अप्रोक्सीमेट फाइन स्मूथ करेगा। जितना रफ होगा, ज़्यादा रफ होगा उतना ज़्यादा यहाँ से मटेरियल निकलेगा आपके वर्क पीस से। ओके, सो वर्क पीस इज फेड अगेंस्ट द रोटेटिंग एब्रेसिव मटेरियल। फेड मतलब वर्क पीस को आप जो व्हील रोटेट हो रहा है उसमें आप उसको फेड कर रहे हो, उसको फेड करना मतलब एक्चुअली देना। ठीक है, यहाँ पे वर्क पीस को आप इसे कांटेक्ट में ला रहे हो, जिसके कारण रबिंग और फ्रिक्शन के कारण एब्रेसिव पार्टिकल है, छोटे छोटे सैंड पार्टिकल्स हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन के कारण, रबिंग होने के कारण जो है वर्क पीस के मटेरियल्स धीरे धीरे रिमूव होने लगते हैं, जिसके कारण वो सरफेस हमारा स्मूथ होने लगता है। ओके, तो ये ऐसे काम करता है हमारा ग्राइंडिंग मशीन। नाउ वर्किंग प्रिंसिपल और जनरली इन ए ग्राइंडिंग मशीन The grinding wheel is mounted on the spindle which is driven by an electric motor. Okay, during the process a high speed revolving grinding wheel is brought in contact with the workpiece. Okay, तो हम जनरली आप जो देखते होंगे बड़े बड़े शॉप्स में, जो जहाँ ऑटोमोबाइल शॉप में, गैराज में देखते होंगे, जो ग्राइंडर होगा वो किसी ना किसी मोटर से ही मूव होता होगा, ड्रिवन मेंबर उसका मोटर, किसी इलेक्ट्रिक मोटर से ही वो मूव हो रहा होगा। ठीक है,
Now during the process high speed revolving grinding wheel is brought in the contact with the वर्कपीस. अब वो मोटर से रोटेट करा कितनी ज़्यादा आरपीएम से वो रोटेट हो रहा होगा आपका ग्राइंडिंग व्हील. फिर जब आप उसमें वर्कपीस लगाओगे तो जो काम अपना नॉर्मल हाथ से घुमाकर जो आप ग्राइंडर करते थे उससे कई गुना ज़्यादा कई गुना जल्दी कम से कम टाइम में आपके सरफेस को स्मूथ कर देगा विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर. ठीक है. इन मेनी ऑफ ग्राइंडिंग मशीन्स द वर्कपीस इज ऑल्सो रिवॉल्विंग. ठीक है. आप ज़्यादातर देखोगे कि आप वर्कपीस को पकड़ते हो अपने हाथ से और ग्राइंडिंग व्हील पे आप फिट कराते हो मतलब टच कराते हो तो जैसे जैसे आप उसको अप डाउन राइट लेफ्ट उसको टर्न करते जाओगे वो स्मूथ होता जाएगा. बट कभी कभी क्या होता है कि वर्कपीस भी रोटेट होता है लाइक सिलेंड्रिकल ग्राइंडर जैसे कि ये दिखाया था ग्राइंडिंग व्हील. दिस इज़ द ग्राइंडिंग व्हील एंड दिस इज़ द वर्कपीस. ठीक है. वर्कपीस अब आपको ये ध्यान देना. देखो पहले वर्कपीस का साइज ये था डॉटेड वाला जो है वो साइज था वर्कपीस का. ठीक है. आपने जैसे ग्राइंडिंग किया इसके अपर का मटेरियल रिमूव हुआ और फाइनल लास्ट हमारा ये साइज हो गया और जो इसके सरफेस है वो बहुत ज़्यादा स्मूथ सरफेस होगा. ओके. तो ये है सिलेंड्रिकल ग्राइंडर ग्राइंडिंग हो रहा है. सरफेस ग्राइंडिंग क्या होता है आपने वर्कपीस के सरफेस पे ग्राइंडिंग चलाया तो उसका सर्फ एक सर पूरा यहाँ देखोगे ये पूरा सरफेस सिलेंड्रिकल पूरा सरफेस में रोटेट हो गया स्मूथ हो गया. बट यहाँ पे जिस सरफेस पे आप चलाओगे ग्राइंडर वही सरफेस हमारा स्मूथ होगा. ओके. तो ऐसे हमारा ग्राइंडिंग मशीन काम करता है और ये होता है हमारे ग्राइंडर्स. ओके. तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ ग्राइंडिंग मशीन देखेंगे. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब इट.